नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 2 से 8 फरवरी 2020 के समसामयिक घटनाओं पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2020 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। लखनऊ घोषणा पत्र को अपनाया गया। यह कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित डेफेक्सपो 2020 का ही एक भाग था। इस कॉन्क्लेव में पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका के पारंपरिक भागीदारों के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों ने भी अपने अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सहित संयुक्त रक्षा अभ्यास और भारत के साथ रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग की थी। दोनों देशों के नेताओं ने भारत और अफ्रीकी देशों के लिए शांति और सुरक्षा के महत्व को पहचाना, जिसके तहत साइलेंस द गन, अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण नामक थीम को अफ्रीकी संघ के थीम ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया। शॉर्ट वीडियो मेकिंग टेंगी ऐप हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया है? Which company has recently launched the short video making Tangi app? The right answer is option number A, Google ने TikTok को टक्कर देने के लिए। इसके अलावा Google ने भारत में लोगों के बीच समाचार साक्षरता बढ़ाने तथा फेक न्यूज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की ग्रांट की घोषणा की है। इस ग्रांट का उपयोग देश के फेक न्यूज उत्पादकों के विरुद्ध एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करने में किया जाएगा। पत्रकार, शिक्षाविद इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए 300 वर्कशॉप, बूट कैंप तथा सेशंस का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 7 भारतीय भाषाओं में दिया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा सुरक्षा बोर्ड CBIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? The right answer is option number B, M. अजीत कुमार। 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। ही विल रिप्लेस प्रणव कुमार दास। CBIC भारत में सेवा कर, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स के लिए उत्तरदायी प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस देश की फुटबॉलर क्रिस्टीन सिंक्लेयर विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? Which country's footballer Christine Sinclair has become the world's highest goal scorer? The right answer is option number B, Canada की, यही है। हाल ही में इन्होंने अपने करियर का 185वां गोल किया, 185th गोल। इन्होंने अमेरिका के फुटबॉलर AB वम्बच के 184 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस रिकॉर्ड में महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग शामिल हैं। पुरुषों की श्रेणी में ईरान के अली दायेई 109 गोल के साथ शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Who won the woman single title at the Australian Open 2020 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट? The right answer is option number C, सोफिया केनिन ने। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही अमेरिका की सोफिया केनिन ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा को 4-6, 6-2, 6-2 से हराकर यह खिताब जीता। पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर कुल 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है और इन्हीं के साथ करियर का 17th ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम किया है। किस बैंक ने हाल ही में आईबॉक्स नामक अग्रणी सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ लीडिंग सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी नेम्ड आईबॉक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। इस सुविधा का उपयोग करके बैंक के ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के प्रांगण के बाहर आईबॉक्स टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। इसका उपयोग कार्यालय बंद होने के बाद भी किया जा सकता है। हाल ही में किसने कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण किया है? रिसेंटली हु टुक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद अग्रवाल। ये 28th हेड हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। इन्होंने AK झा का स्थान लिया है।
ये मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के शहरी विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव थे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? करेंटली हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 54। यह उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो ज्यादातर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसे 1949 में लंदन घोषणा द्वारा स्थापित किया गया था। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत के कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। न्यूज में क्यों है? मालदीव 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल से जुड़ गया है। यह राष्ट्रमंडल का 54th यानी 54वां सदस्य देश बन गया है। राष्ट्रमंडल में जुड़ने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने दिसंबर 2018 में ही आवेदन किया था। पहले 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था मालदीव, लेकिन 2016 में इससे अलग हो गया था। ध्यान रहे इंडिया भी इसका एक मेंबर है। मोहम्मद तौफीक अल्लावी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोहम्मद तौफीक अल्लावी हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इराक का। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति बरहम सालिह द्वारा की गई है। इससे पहले नवंबर में बड़े स्तर पर सरकारी विरोध प्रदर्शनों के कारण आदेल अब्दुल मेहदी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 का पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शशिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ऑर्गेनाइजेशन किसने इसको ये अवार्ड दिया है? द बैंकर ग्लोबल सेंटर बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया के जोरगोवंका टाबाकोवी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन बैंकर्स को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संकट तथा भारतीय बैंकों के एनपीएस जैसे कई पहलुओं पर सराहनीय कार्य किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनसेवक नामक योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्कीम कॉल्ड जनसेवक फॉर होम डिलीवरी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। इस योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य कार्ड घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। यह योजना सकल नामक योजना का हिस्सा है। इसमें राज्य के 11 विभागों की 53 सेवाएं शामिल की जाएंगी। इस योजना के लिए एक एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबर 08044554455 जारी किया गया है। इसके अलावा एक वेबसाइट jansevaka.karnataka.gov.in भी लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? व्हाट वॉज इंडियाज रैंकिंग इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 40। 2019 में 36वें नंबर पे था। 4 अंकों का नुकसान भारत को हुआ है। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र GIPC द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16.22 का स्कोर हासिल किया है। ये ध्यान रखिएगा 16.22। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष के मुकाबले 7% की वृद्धि हुई है, लेकिन स्थान लॉस हो गया भारत का 4 पोजीशन का। खगंतक नामक स्वदेशी मिसाइल को हाल ही में किस कंपनी ने प्रदर्शित किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिजिनस मिसाइल नेम्ड खगंतक? दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट मिसाइल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए JSR डायनामिक्स। यह मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की मारक रेंज 180 किलोमीटर है। इस मिसाइल का उपयोग एक गाइडेड वेपन के रूप में किया जा सकता है। इसमें अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की मिसाइलों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी रक्षा उपकरण निर्माताओं पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में अद्दू अतोल के 5 द्वीपों पर अद्दू पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है? इंडिया हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू स्टेब्लिश अद्दू टूरिज्म एरिया ऑन 5 आइलैंड्स ऑफ अद्दू अटोल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मालदीव।
अद्दू पर्यटन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यह दक्षिण एशिया के सबसे दक्षिणी बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। भारत अपर्यटनीय विकास कार्यों के माध्यम से अपने पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास की सीमा का विस्तार कर रहा है। अड्डू पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और राजनयिकों को लाएगा जो भारत और मालदीव के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर टिड्डियों के हमले के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? Which country has recently declared a national emergency in the country due to large-scale locust attack? The right answer is option number C. पाकिस्तान। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संकट से उबरने के लिए देश को 730 करोड़ रुपए की जरूरत है। सिमिलर इमरजेंसी घोषित किया गया है सोमालिया में भी, लेकिन सोमालिया तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए पाकिस्तान सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया और इथियोपिया 25 वर्षों में सबसे बड़े टिड्डियों के हमले के गवाह बने हैं। टिड्डियों ने इस देश में पिछले 25 सालों में सबसे बुरी स्थिति पैदा कर दी है। यानी सोमालिया, इथियोपिया और पाकिस्तान, ये तीनों लोकस्ट अटैक के बहुत ही सीवियर विक्टिम हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 9वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट डिड द 9th एडिशन ऑफ द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में उमरोई में। यह अभ्यास भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के तहत उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक कार्रवाई का भी अभ्यास किया गया। क्लासिक स्वाइन फीवर भारत में किस पशु को सबसे अत्यधिक प्रभावित करने वाला एक रोग है? क्लासिक स्वाइन फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली अफेक्टेड डिजीज ऑफ विच एनिमल इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुअर, पिग्स। वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। इससे भारत में प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इससे साल 2019 में सुअरों की आबादी में कमी आई है। न्यूज में क्यों है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने हेतु एक नया टीका विकसित किया है। भारत 1964 से यूके आधारित स्वाइन फीवर वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। नए टीके को 6 IVRI वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने सेल कल्चर से टीके बनाने की विधि खोज ली है। इस विधि को खोजने के बाद अब खरगोश को मारना नहीं पड़ेगा। अब तक जो स्वाइन फीवर का वैक्सीन बाजार में मिलता था उसे खरगोश को मारकर उसकी स्प्लीन से बनाया जाता है। एक खरगोश से मात्र 50 टीके ही बनाए जा सकते हैं, जबकि जरूरत 2 करोड़ टीकों की है। हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रोसी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर NS धर्मसक्तु। व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में मिला है। अवार्ड प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन ने साल 1950 में की थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड राम मंदिर ट्रस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, के पराशरन, यही है। महंत नृत्य गोपाल दास ये प्रेसिडेंट हैं, चंपत राय ये जनरल सेक्रेटरी हैं, गोविंद गिरी ये खजांची हैं। नृपेंद्र मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्शन कमेटी। कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड नृपेंद्र मिश्रा बने हैं। ट्रस्ट का नाम रखा गया है श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण हेतु 3 महीने का समय दिया था। यह समय सीमा 9 फरवरी को खत्म होने वाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। इन्होंने यह भी कहा कि यह ट्रस्ट मंदिर से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा तथा 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपात की घोषणा हाल ही में की गई है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड स्टेट डिजास्टर आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ कोरोना वायरस केसेस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। राज्य में तीसरे मामले की पुष्टि के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने
कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निर्देश पर इसकी घोषणा की गई। राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। इसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत वर्ष 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। नुगु नदी पार्थ से होकर बहती है। तीनों रिवर का नाम ध्यान में रखना है। न्यूज में क्यों है? भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक डिस्कवरी चैनल कार्यक्रम इनटू द वाइल्ड्स विद बियर ग्रिल्स को फिल्माया है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बाद भारत में इसी स्थान पर बाघों की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। हाल ही में किस राज्य में 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट वॉज द 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक हरियाणा के सूरज कुंड में भारत का एक पारंपरिक शिल्प उत्सव आयोजित किया जाता है। यह शिल्प मेला वर्ष 1987 में शुरू किया गया था। देश के सभी हिस्सों के पारंपरिक शिल्पकार यानी कलाकार, चित्रकार, बुनकर और मूर्तिकार इस वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं, जिसे सूरज कुंड शिल्प मेला या सूरज कुंड डिजाइनरों का गांव नाम दिया गया है। पार्टनर नेशन किसे बनाया गया था? उज्बेकिस्तान को। और थीम स्टेट किसे बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश को। ये ध्यान में रखिएगा। इसका PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो के अंत में इसके बारे में बताया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब जो आपको PDF दिया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन पूर्ण व्याख्या के साथ दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान को हरी झंडी दिखाई? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड मुक्ति कारवां कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यह कारवां अगले 2 महीने तक राजस्थान की 8 जिलों की यात्रा करेगा। इसमें जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले शामिल हैं जो मानव तस्करी से ग्रस्त हैं। इस अभियान का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बूढ़ी दिहिंग नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? द बूढ़ी दिहिंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ऑल्सो दिहिंग नदी भी इसे कहा जाता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, और ब्रह्मपुत्र को असम में ज्वाइन करता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय यानी पटकाई पहाड़ियों से निकलती है और असम में तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिलों से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। यह नदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई जगहों पर गोखूर यानी ऑक्सबो झील का निर्माण करती है। न्यूज में क्यों है? ऑयल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत तेल पाइपलाइन से रिसाव होने के कारण असम के डिब्रूगढ़ जिले में नाहरकटिया के पास बूढ़ी दिहिंग नदी में आग लग गई, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। उज नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? द उज रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रावी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। ये रावी नदी को चक्रम सहाय जो कि भारतीय पंजाब में है वहीं पर ज्वाइन करता है। नदी का उद्गम कैलाश पर्वत यानी भद्रवाह पहाड़ियों के पास पीर पंजाल रेंज का हिस्सा है वहीं से होता है। वहां से 4300 मीटर यानी 14,100 फीट की ऊंचाई पर होता है। न्यूज में क्यों है? सिंधु जल संधि के तहत भारत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उज बहुउद्देशीय परियोजना की समीक्षा की है। 5,850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से उज नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा। इस परियोजना का निर्माण जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में उज नदी पर करने की योजना है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉस एट द ग्राउंड लेवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संतुष्ट। भारत सरकार का उद्देश्य मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायिक सुरक्षा,
स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों पर सभी चार कोडों को लागू करना है। इससे व्यापार में सुगमता के साथ ही श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके। संतुष्ट पोर्टल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ तथा स्वास्थ्य एवं बीमा सेवा प्रदाता ईएसआईसी द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में, महबूब नगर और नलगोंडा जिलों में, नल्ला माला पहाड़ियों में स्थित है। यह नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था, लेकिन आंध्र प्रदेश की विभाजन के बाद नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के उत्तरी भाग को तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से सम्मिलित कर दिया गया। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में हाल ही में आग लग गई थी। कुंभाभिषेकम समारोह किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज कुंभाभिषेकम सेरेमनी सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, तंजावुर के श्री बृहदेश्वर मंदिर में। इस समारोह में पवित्र जल को यज्ञशलाई यानी मंदिर परिसर में स्थित एक जलकुंड है सिलाकर स्वर्ण कलश में डाला जाता है, जो पवित्र गर्भगृह के 216 फुट ऊपर विमानम में है। मंदिर की अन्य मूर्तियों का भी पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े एवं भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राजम प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य कराया गया था। इसके नाम से ही इसे राजा राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। यह समारोह 23 वर्षों बाद आयोजित किया गया क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने एक पुराने मामले जो कि तमिलनाडु राज्य में संस्कृत भाषा एवं तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व को लेकर था में 31 जनवरी को निर्णय दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के हलफनामे पर सहमति जताई जिसमें कहा गया कि समारोह संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं में होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS 2020 का आयोजन हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS 2020 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि, केरल में। 22वां संस्करण था यह। आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जो समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थीम क्या था? नीली क्रांति मूल्यवर्धन से परे उत्पादन, इंग्लिश में कहें तो ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। यह द्विवार्षिक शो है, दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार कोच्चि में इसका आयोजन 12 वर्षों बाद किया जा रहा है। पिछला संस्करण यानी 21वां संस्करण जनवरी 2018 में गोवा में आयोजित किया गया था। अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यदि आप इस चैनल पर प्रसारित वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो उसे आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो पीडीएफ होगा वो फुल डिस्क्रिप्शन पूरे व्याख्या के साथ होगा, इसके बारे में इस प्रश्न के बाद डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वधावन पोर्ट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। दहानू के पास लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय तथा जमीन के मुखिया के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह के संचालन मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां का काम करती है। इस बंदरगाह के विकास के साथ भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, पहले जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती थी उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहता था, लेकिन अब संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीस। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का अपलोड हुआ है वीडियो, जनवरी और फरवरी का कंटेंट अभी तैयार नहीं है, उसको मैं जल्दी कंटेंट तैयार कर लूँगा,
तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, ₹500। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन, और बिहार करंट अफेयर्स, यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो ₹600। दोस्तों ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत ज़रूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए, हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है ध्यान रखिएगा इसको, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, UPI, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366000556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजेक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। प्लीज़ राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।